अब फर्दर आ जाते हैं एचटीटीपी मेथड्स पे। हमारे पास फोर मेथड्स है, गेट का मेथड रीड करने के लिए, पोस्ट का मेथड इंसर्ट करवाने के लिए, पुट मेथड हम यूज करते हैं अपडेट करने के लिए, और डिलीट कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए। अब एपीएस के साथ वर्किंग करते हुए हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखने की जरूरत है जो बार बार यूज हो रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट यूआरआई, या मैं कहूं कि बेस यूआरएल। अगर मुझे फेक स्टोर की एपीएस को इंप्लीमेंट करना है तो इसकी बेस यूआरएल क्या होगी, ये इसकी बेस यूआरएल है, ये बेस यूआरएल .com तक। अब इसके बाद फर्दर नेक्स्ट एंड पॉइंट्स है। कौन सा एंड पॉइंट है? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के आगे डाटा पास कर दिया। नेक्स्ट सिंगल का, लिमिट रिजल्ट का अलग एंड पॉइंट है, कार्ड्स का अलग एंड पॉइंट है, इसी तरह सिंगल कार्ड का अलग एंड पॉइंट है, इसी तरह इंसर्ट करवाने का या डाटा गेट करने के अलग एंड पॉइंट्स है। सो फर्स्ट हमने यूआरआई और इसके साथ इसकी बेस यूआरएल। सेकंड पॉइंट याद रखने वाला एंड पॉइंट, होप्स अब आपको इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम अगर डिपार्टमेंट का कंट्रोलर क्रिएट करें तो डिपार्टमेंट के जितने भी एक्शंस होंगे वो उसके एंड पॉइंट्स कहलाएंगे। एम्प्लॉय का कंट्रोलर क्रिएट करें, जितने भी एक्शंस होंगे वो उसके एंड पॉइंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट एचटीटीपी मेथड, जौन सा भी एक्शन होगा एचटीटीपी मेथड लाजमी हमने पॉइंट आउट करना है कि इस एक्शन का मेथड कौन सा है, गेट है, पोस्ट है, पुट है या डिलीट है। और इसके बाद एचटीटीपी स्टेटस, एपीएस के अंदर स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम डिटेल में देखेंगे कि कितने स्टेटस होते हैं, कौन सा स्टेटस किस पर्पज के लिए यूज होता है, देन उनमें जोन से इंपॉर्टेंट स्टेटस होंगे 5 to 7 हम उन्हें अपने पास नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमें जब भी इनकी रिक्वायरमेंट आए हम इन स्टेटस को स्टेटस लिस्ट में से देख के अंडरस्टैंड कर सकें कि हमें कौन सा स्टेटस यूज करना है, 404 यूज करना है, 405 यूज करना है, 500 यूज करना है, जो सा भी स्टेटस होगा हम यूज कर लेंगे। अब इसके अंदर अगर आप में से किसी की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसकी एप्लीकेशन क्रिएट करने जाते हैं, अपनी फर्स्ट एपीआई क्रिएट करते हैं।